Okay, so let us discuss question number 13. Question number 13 says, a person cannot see the objects distinctly when placed at a distance of less than 50 centimeters. अब इस स्टेटमेंट से हम क्या कंक्लूजन निकालें? वो कह रहा है कि एक पर्सन उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता जो 50 सेंटीमीटर से अंदर की तरफ रखा हो, 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख सकता, ही कैन नॉट सी देम डिस्टिंक्टली। तो इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं, इससे हम कंक्लूजन निकालते हैं कि उस पर्सन का नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर हो चुका है, बिकॉज जब मैं ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर पे रखता हूं तो वो क्लियरली देखता है, जब ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर से पीछे जाता है तब भी वो क्लियरली देखता है, लेकिन जब 50 सेंटीमीटर से आगे आता है तब वो क्लियरली नहीं देख पाता। सो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 13 द डिफेक्ट ही इज टॉकिंग अबाउट इज हाइपर मेट्रोपिक डिफेक्ट, और इस केस में नियर पॉइंट कहां शिफ्ट हो गया है? द नियर पॉइंट हैज बिकम 50 सेंटीमीटर, उसका नियर पॉइंट हो गया है 50 सेंटीमीटर। देन आइडेंटिफाई द डिफेक्ट, सो डिफेक्ट कौन सा है? हाइपरमेट्रोपिया। गिव टू रीजंस फॉर दिस डिफेक्ट, तो हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट के लिए हम दो रीजंस क्या देंगे? हम कह सकते हैं कि सो दिस इज द आंसर ऑफ ए, एंड हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट क्यों होता है? हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट होने का रीजन, आईबॉल बिकम स्मॉल, आईबॉल छोटी हो गई तो उससे क्या होगा? रेटिना के पीछे इमेज बनेगी, इसे हमने डिस्कस किया है। या फिर सेकंड हम कह सकते हैं, दिस इज फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन हम कह सकते हैं कॉन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस इज डिक्रीज्ड, कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस इज डिक्रीज, मतलब कन्वर्जिंग पावर लेंस की कम हो गई है। ये कम क्यों हो सकती है? हो सकता है लेंस का मटेरियल अच्छा नहीं हो, सब्सटेंस वो खराब हो रहा हो, या फिर हो सकता है सिलियरी मसल्स बहुत ज्यादा स्टिफ हो गई, स्टिफ होना मतलब कड़क हो गई, तो कड़क होने से क्या हो रहा है? लेंस की फोकल लेंथ प्रॉपर चेंज नहीं हो रही, तो चेंज नहीं हो रही इसीलिए उसकी कन्वर्जिंग पावर भी प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हो पा रही। इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट को तो वो देख सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जब 50 सेंटीमीटर से अंदर आता है तब उसे देखने में दिक्कत हो रही है। देन कैलकुलेट द पावर एंड नेचर ऑफ लेंस ही शुड यूज टू क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट जो कि 25 सेंटीमीटर पे रखा है। सो सी ऑप्शन क्या कह रहा है? आपको ये बताना है कि ऐसा मैं कौन सा लेंस यूज करूं, किस पावर का लेंस यूज करूं ताकि वो 25 सेंटीमीटर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख सके। मैंने सामने ऐसी किताब रख दी 25 सेंटीमीटर दूरी पे, अब मैं ये चाह रहा हूं कि इसकी इमेज फॉर्म हो 50 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे कहां से दिखेगा? मुझे 50 सेंटीमीटर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प होगी, मुझे 50 सेंटीमीटर पे रखे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आसानी होगी, लेकिन 25 सेंटीमीटर पे जब मैंने रख दिया तो मैं देख नहीं पा रहा। तो सेम वही चीज हमने अभी डिस्कस की थी, यू नीड टू यूज ऑप्शन सी, यू नीड टू यूज अ कॉन्वेक्स लेंस जहां पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया -25 सेंटीमीटर। अब ये -25 क्यों आया? आई गेस सब समझ चुके हैं आप। सो वी इज इक्वल्स टू, और ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस है -50 सेंटीमीटर, सो यू नीड टू कैलकुलेट फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ कैलकुलेशन के लिए वी विल यूज 1/f दिस फोकल लेंथ, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द पावर। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v -1/u। So in the C option you can use this, and D option draw the ray diagram for the defective and corrected eye.
सो डिफेक्टिव आई के लिए आप किस तरह से डायग्राम स्केच कर सकते हैं? फॉर डिफेक्टिव आई यू कैन से कि इस तरह से एक आई को अज्यूम करते हैं, अब अगर मैंने इसको किसी पॉइंट पे रखा इमेज ऑब्जेक्ट को, लेट्स से दिस इज ऑब्जेक्ट, इसको मैंने यहां पे कहीं पे रखा, इस ऑब्जेक्ट की दूरी मैं मानता हूं कि आई लेंस से सम U के बराबर है एंड U इज लेस देन 50, क्योंकि आपको डिफेक्टेड आई का डायग्राम बनाना है। तो डिफेक्टिव आई का डायग्राम कैसे बनेगा? जब आप ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर से अंदर की तरफ रखेंगे, आई विल राइट इट लाइक दिस, U इज लेस देन 50। जब ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर से अंदर की तरफ रखा होगा, लेट से दिस इज द ऑब्जेक्ट, सो इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज इस लेंस पे जाके स्ट्राइक करेगी और इमेज फॉर्म करेगी कहीं बाहर की तरफ, यहां पे कहीं इमेज फॉर्म होगी। यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, हमने एक ऑब्जेक्ट से लाइट रेज मानी, एक लाइट रे ऐसी स्ट्राइक करी कॉन्वर्ज हुई, एक लाइट रे ऐसी स्ट्राइक करी कॉन्वर्ज हुई और फाइनली कहीं यहां पे जाके मीट हो गई। तो यहां पे जब ये लाइट रे मीट होगी तो हम मान लेते हैं कि ऐसी कुछ इमेज फॉर्म हो जाएगी और यू कैन यूज इट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट इमेज बना दीजिए ऐसा। सो यू विल से कि ये है डिफेक्टेड आई, और करेक्टेड आई बनाने के लिए क्या करेंगे? फॉर करेक्टेड आई यू कैन से दिस इज दी आई लेंस और हमने सामने एक कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। नाउ अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर्स पे, तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेस शुड कॉन्वर्ज इन सम डायरेक्शन दैट, इनसे निकलने वाली लाइट रेस इस तरह से कॉन्वर्ज हो कि ये इस तरह से जाए और यहां पे आपको एक इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई दे। दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इमेज एंड दिस डिस्टेंस शुड बी 50 सेंटीमीटर्स। हमने क्या माना, लाइट रेज यहां पे स्ट्राइक करी और ऐसी रिफ्लेक्ट हुई, देन यहां पे लाइट रेज ऐसी रिफ्लेक्ट हुई, तो इसको जब हम प्रोड्यूस बैक कर रहे हैं तो इमेज बननी चाहिए यहां पे। सो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ द करेक्टेड डिफेक्टिव आई एंड करेक्टेड आई। इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये आई करेक्टेड है और ये आई डिफेक्टेड है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। मैंने इसको ज्यादा डीप में डिस्कस नहीं किया बिकॉज ये आप जानते हैं, और इसको भी ज्यादा डीप में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज इसे हमने जब डिफेक्ट को पढ़ा था तब हमने बहुत क्लियरली समझा था कि ये किस तरह से होता है। तो यहां पे करने के लिए सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आप ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखें और कॉन्वेक्स लेंस से इमेज जब फॉर्म होगी तो यहां पे इसको 50 सेंटीमीटर बता दें। आपको ऐसा एग्जैक्ट नहीं करना कि आप इसको 25 सेंटीमीटर नाप के आपकी आंसर शीट में नाप के उसको लिखें, एग्जाम में आपको इतनी बड़ी आंसर शीट नहीं मिलती, 50 सेंटीमीटर की लेंथ खींचने की आवश्यकता नहीं। यू कैन अज्यूम दिस हैज 2.5 सेंटीमीटर एंड दिस हैज 5 सेंटीमीटर एंड इजीली आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। हम यहां पे लिख देते हैं कि दिस 25 सेंटीमीटर कैन बी टेकन एज 2.5 सेंटीमीटर एंड दिस 50 सेंटीमीटर कैन बी टेकन एज 5 सेंटीमीटर। तो आप जब कॉपी में ड्रॉ करें, सो टेक दिस लेंथ एज 2.5 एंड दिस लेंथ एज 5 सेंटीमीटर, दिस वन। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। अ पर्सन अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग एट द
in the last row. What could be the defect the child is suffering from? How can it be corrected? Okay, so वो कह रहा है कि एक student है, वो last row में बैठता है, एकदम last row में, और उसे board की तरफ देखने में दिक्कत होती है, उसे board देखने में problem होती है. तो कौन से defect से वो suffer कर रहा है? चलिए सबसे पहले ये सोचते हैं कि बोर्ड से अगर उसे देखने में, बोर्ड को देखने में अगर दिक्कत होती है लास्ट बेंच से, तो सबसे पहले बात ये आती है कि ऑब्जेक्ट क्या है और लेंस क्या है. अगर हम लेंस की बात करें तो उस स्टूडेंट का आई लेंस हम उसकी बात कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है ब्लैक बोर्ड पे, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है दैट इज द ऑब्जेक्ट. वो उसे देखना चाह रहा है, उसे वो चीज लिखी हुई जो है उसे पढ़ने में दिक्कत आ रही है, और अगर वो स्टूडेंट लास्ट रो में बैठा है, सो कैन आई से कि ब्लैक बोर्ड इज कंसिडर्ड एज एन इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट. ब्लैक बोर्ड एक वह ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है. अगर ब्लैक बोर्ड इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और उस स्टूडेंट को उस ब्लैक बोर्ड को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, देन विच काइंड ऑफ डिफेक्ट ही इज सफरिंग फ्रॉम, व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट, कैसा डिफेक्ट होना चाहिए? सो आई विल से उसे फार ऑब्जेक्ट्स देखने में दिक्कत आ रही है, मतलब ही कैन सी, ही कैन नॉट सी इन्फिनिटी इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियरली नहीं देख पा रहा, सो आई कैन से ही is he is suffering from myopia. Because अगर वो infinity पे रखे हुए objects को नहीं देख पा रहा, मतलब उसे दूर देखने की दिक्कत है, दूर देखने में दिक्कत हो रही है, तो क्या वो पास देख सकता है? पास के ऑब्जेक्ट्स को वो देख सकता है? हम कह सकते हैं हाँ हो सकता है और नहीं भी हो सकता. Why? Because उसने सिर्फ ये कहा कि बोर्ड की तरफ देखने में उसे दिक्कत आ रही है, तो फार ऑब्जेक्ट को देखने में दिक्कत आ रही है. तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो पास के ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है, बिकॉज हमने सीखा था कि एक पर्सन को दोनों तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं, मायोपिक डिफेक्ट और हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट. तो दोनों केसेस में क्या होगा? फिर वो बाइफोकल वाला लेंस यूज होता है. लेकिन अभी सिर्फ क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि अगर उसे बोर्ड देखने में दिक्कत आ रही है तो कौन सा लेंस उसे इस्तेमाल करना चाहिए. तो हम कहेंगे कि बोर्ड देखने में दिक्कत है, इट मींस उसको मायोपिया की प्रॉब्लम है, और मायोपिया के लिए करेक्शन होना चाहिए एक कॉनकेव लेंस. सो इन दिस क्वेश्चन उसे किस तरह का लेंस यूज करना चाहिए? एक कॉनकेव लेंस, क्योंकि ही इज सफरिंग फ्रॉम अ डिफेक्ट ऑफ ही सफरिंग फ्रॉम मायोपिक डिफेक्ट. ओके, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 14. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 15. वाई डू वी हैव टू आईज इंस्टेड ऑफ वन? हम दो आईज क्यों लेके बॉर्न हुए? एक आई क्यों नहीं है हमारी, दो आई क्यों है? तो दो आई क्लियरली, दो आई होने का रीजन इज वेरी वेरी क्लियर. सबसे पहला रीजन तो हम कह सकते हैं इंक्रीज द फील्ड ऑफ व्यू. सबसे पहला रीजन कि आप अपनी फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ाना चाहते. आप खुद सोचिए, अगर आप एक हाथ, एक आई पे हाथ रख ले तो दूसरी आई से आपका व्यू बहुत कम हो जाता है, आप बहुत सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को ही देख पाते, आप ज्यादा इधर या इधर नहीं देख पाते. सो इसीलिए सबसे पहला रीजन दो आई होने का कि आप फील्ड आपकी बढ़ा सके. जैसे कि हॉर्स होता है,
हॉर्स की अगर आप ध्यान से देखें तो उसकी आईज जो होती है वो साइड में होती है दोनों तरफ, तो जब वो दौड़ता है तो उसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा है, कितना, वो पीछे से लेके यहां तक के पूरे ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है इस आई से, और इधर भी पीछे से लेके पूरे यहां तक के ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है। लेकिन आप देखें तो अपनी आई किधर है, अपनी आई बिल्कुल सामने है, तो जब हम इधर देख रहे हैं, जब हम सीधे चल रहे हैं, तो हमारा व्यू कितना रह जाता है, हमारा व्यू सिर्फ यहां से और इधर तक रह जाता है, हम पीछे के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते। लेकिन हॉर्स को क्या फायदा है, हॉर्स की आई साइड में होने से वो पीछे भी देख सकता है। तो आप ये सोचिए कि अगर अपनी आई सामने है, सामने की तरफ है इधर, तो हमारा फील्ड ऑफ व्यू ऑलरेडी बहुत कम है यहां से लेके यहां तक का, इधर तक का, दो हाथ मैंने ऐसा रखे, सो इतना ही हमारा फील्ड ऑफ व्यू है। आप जब सीधे चल रहे हैं तो आपको इससे ज्यादा दूरी पे रखे हुए या इससे ज्यादा पीछे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखेंगे, आपकी आई से ऐसा 90 डिग्री इधर चले जाइए और 90 डिग्री इधर। सो अगर दो आईज में ऑलरेडी हमारा व्यू कम है, तो जब मैं एक आई पे हाथ रख लेता हूं तो सोचिए हमारा व्यू कितना कम हो जाएगा। आप सिर्फ इधर 90 डिग्री देख पाएंगे, लेकिन इधर जब आप देखने की कोशिश करेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे, बिकॉज आपकी नोज बीच में आएगी, आप इस आई से इधर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते और इस आई से इधर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, आपको गर्दन घुमानी पड़ेगी। आप सीधे देखते हैं और ऐसा करके देखने की कोशिश करें ऐसे टेढ़ी आंख से, तिरछी आंख से, तो यू कांट सी, ठीक है, आप उसे नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहला तो रीजन हुआ टू इंक्रीज द फील्ड ऑफ व्यू, जो व्यू हमारा है उसकी फील्ड को बढ़ाने के लिए। दूसरा होता है, आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं खुद से, आप एक आई पे हाथ रख लें कुछ इस तरह से, और एक पेन को सामने से इस तरह से आपकी तरफ मूव कराएं, उसे ऊपर नीचे इधर इधर और ऐसा आगे पीछे, आप उसे मूव करा के देखें, यू विल फाइंड कि आप उसके ये वाले मूवमेंट को तो जज कर सकते हैं, आप उसके ये वाले मूवमेंट को भी जज कर सकते हैं, लेकिन आप उसके ये वाले मूवमेंट को जज नहीं कर पाएंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। एक पेन लीजिए, अपनी आई पे इस तरह से हाथ रखिए और इसे अपनी आई की तरफ लेके आइए, आप देखेंगे कि ये वाला मूवमेंट आप जज कर लेंगे, ये मूवमेंट भी आप जज कर लेंगे, लेकिन अगर इसे आगे पीछे करा जाए तो आपको जज करने में प्रॉब्लम आएगी। इस वक्त आप खुद ये चीज समझ पाएंगे बिकॉज आप खुद अपने हाथ से इस पेन को आगे पीछे कर रहे हैं, लेकिन आप अपने किसी फ्रेंड को बोलिए कि इसे धीरे 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 आगे या पीछे करें, तो आप जज नहीं कर पाएंगे कि इसका ऐसा मूवमेंट हो रहा है, आप सिर्फ ये मूवमेंट जज कर पाएंगे और ये वाला। तो इट मीन्स क्या हो रहा है, जब आपने एक आय को बंद कर दिया तो आपकी दूसरी आय पूरे मूवमेंट्स को जज नहीं कर पा रहे। अगर हम इस पेन के मूवमेंट को देखें तो इसके तीन तरह के मूवमेंट हो रहे हैं, दिस इज वन ऐसी डायरेक्शन में, दिस इज टू ऐसी डायरेक्शन में, और दिस इज थ्री ऐसी डायरेक्शन में, आगे पीछे। सो हम कहेंगे दो आईज की मदद से हम 3D व्यू देख पाते हैं, थ्री डायमेंशनल व्यू देख पाते हैं। थ्री डायमेंशनल मीन्स तीन डायमेंशंस, आपने देखा ये ऐसा मूव कर रहा है ये एक डायमेंशन हो गया, ये ऐसा मूव कर रहा है दिस इज सेकेंड डायमेंशन, और ये ऐसा मूव कर रहा है दिस इज थर्ड डायमेंशन। अगर आप कैरम की गोटी को देखें तो कैरम पे जब हम इसे स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं तो जो गोटी मूव करती है वो टू डायमेंशंस में मूव करती है, क्या वो कैरम से ऊपर आती है, क्या वो कैरम के नीचे जाती है, नहीं, हम कहेंगे वो सिर्फ जो स्क्वायर है उसी के अंदर ऐसा मूव करती जाती है टू डायमेंशन। लेकिन अगर आप एक मॉस्किटो को कंसिडर करें, एक मच्छर को देखें, तो मच्छर का जो मूवमेंट है वो थ्री डायमेंशनल मूवमेंट है, मच्छर ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, लेकिन आपकी जो स्ट्राइकर की गोटी है वो सिर्फ ऐसी जा सकती है और ऐसी जा सकती है, इन्हीं दो डायरेक्शंस में मूव कर सकती है, कभी भी कैरम से ऐसा उछल के तो नहीं आ सकती। सो दिस इज द थ्री डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन। लेकिन आप जब अपनी आई को क्लोज कर देते हैं तो आप थर्ड डायमेंशन को देख नहीं पाते, आप सिर्फ और सिर्फ दो डायमेंशंस को ही देख पाते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि सेकेंड जो रीजन है टू क्रिएट 3D व्यू, दो आय होने का सेकेंड रीजन है टू क्रिएट अ 3D व्यू, एक थ्री डायमेंशनल व्यू बनाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्री डायमेंशनल व्यू देखने के लिए हमें दो आईज की आवश्यकता होती है।
ओके, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 15. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एग्जाम में लिखने के लिए तो यही दो पॉइंट है, लेकिन इन्हें समझना भी जरूरी है. ओके, सो आप ये एक्सपेरिमेंट खुद से करके देखिए. यू विल डेफिनेटली फाइंड कि जो हम समझ रहे हैं वो कितना ट्रू है, कितना फॉल्स. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई. आई विल रिपीट द क्वेश्चन. व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई. मतलब अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट इस तरह से मेरे सामने रख दिया, अब इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं देख पा रहा हूं, इट मीन्स इसकी इमेज कहां पे बन रही है? रेटिना पे. मेरी आय में इससे निकलने वाली लाइट रेज मेरी आय में जा रही है, लेंस उसको कॉन्वर्ज कर रहा है और कॉन्वर्ज करके रेटिना पे एक इमेज बना रहा है. अब अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसा पीछे लेके जाऊं तो क्या अभी भी मैं इसे देख पा रहा हूं? हाँ, देख पा रहा हूं. अभी भी मैं कैसे देख पा रहा हूं? बिकॉज अभी भी इससे निकलने वाली लाइट रेस मेरी आईज में आ रही है और आईज में आके कॉन्वर्ज हो रही है, कॉन्वर्ज आई लेंस से कॉन्वर्ज होती है और कॉन्वर्ज होकर रेटिना पे इमेज बन रही है. जब मैं इसे यहां रखता हूं तब भी मैं देख पाता हूं क्योंकि रेटिना पे इमेज बनती है. जब मैं इसे यहां रखता हूं तब भी मैं देख पाता हूं क्योंकि अगेन रेटिना पे ही इमेज बनती है. क्या मेरी आय में लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन लेंस, आई लेंस एंड रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या ऑब्जेक्ट की दूरी से कुछ रिलेशन रखती है? क्या ऑब्जेक्ट को जब मैं दूर करते जा रहा हूं तो क्या मेरा रेटिना भी मेरी आय से दूर होता जा रहा है? क्या इस तरह से कुछ फिनोमेना हो रहा है? क्या मेरी आय का, आई बॉल का जो साइज है वो बढ़ रहा है, क्या वो कम हो रहा है? तो हम कहेंगे नो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा. एक्चुअल में हो क्या रहा है, जब आप ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं तो आपका आई लेंस उसकी फोकल लेंथ को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देता है सच दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना. जब आप ऑब्जेक्ट को पीछे रखते हैं, अगेन उसका आई लेंस, जो आपकी आई में आई लेंस है, वो फिर से उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है सच दैट इमेज इज फॉर्म्ड अगेन एट रेटिना. इट मीन्स अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखूं या यहां रखूं या इन्फिनिटी पे रखूं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से इमेज के डिस्टेंस का कोई रिलेशन नहीं है. इमेज विल बी फॉर्म्ड एट रेटिना एंड द डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड आई लेंस इज फिक्स्ड. आई लेंस और रेटिना के बीच में जो दूरी है वो बिल्कुल फिक्स है, वो बदलती नहीं है. और आई लेंस का फोकल लेंथ इस तरह से एडजस्ट हो जाता है कि इमेज रेटिना पे ही फॉर्म हो. सो फॉर दिस क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई? सो वी विल से द इमेज डिस्टेंस विल रिमेन कॉन्स्टेंट वॉट एवर बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. फुल स्टॉप. द इमेज डिस्टेंस इन द आई रिमेन्स कॉन्स्टेंट वॉट एवर बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. फुल स्टॉप. द आई लेंस एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ. द आई लेंस एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ सच दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना. द आई लेंस एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ सच दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना. सो इमेज का डिस्टेंस कभी भी बदलता नहीं है, फोकल लेंथ बदलती है. नॉर्मली जो हम लेंस यूज करते हैं उसमें क्या है, उसमें फोकल लेंथ चेंज नहीं होती. उसमें लेंस बन गया तो एक बार बन गया, तो आप सोचिए कि आई में जो लेंस है वो कितना खास है, कितना स्पेशल लेंस है कि वो उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाती है. वो लेंस बदलता जाता है, कभी वो लेंस बहुत ज्यादा कॉन्वर्जिंग होता है, कभी कम कॉन्वर्जिंग हो जाता है. सो दिस इज अ मिरेकल कि आपकी आई में नेचर ने आपको कितना अच्छा गिफ्ट दिया है कि आपकी आई में एक ऐसा लेंस है जो एडजस्ट होता रहता है, जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप एडजस्ट होता है. ओके, आप सोचिए वो किस तरह से होता है. उसे कैसे पता कि इमेज जो है वो रेटिना पे बनानी है? उसे कैसे पता कि अब ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मुझे फोकल लेंथ इस तरह से एडजस्ट करनी.
तो जो लेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे इस इक्वेशन में यूज कर रहे हैं, ये आपके आई में रेगुलर हर एक सेकेंड यूज हो रहा है, आपका आई लेंस इसे यूज कर रहा है और इसे यूज करके कैलकुलेशन करके इमेज भी बना देता है और हमें पता भी नहीं चलता. ओके, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर आईज. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16. सो यहाँ पे हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाले टॉपिक्स को फिनिश कर लिया है. सो यू कैन नोट दिस एंड प्लीज स्टडी थॉरली. ओके, थैंक यू.